मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश यादव ने इंदौर में एक पत्रकार वार्ता लेकर एमपीसीए में टेंडर घोटाले के साथ टिकट की ब्लैक मार्केटिंग के आरोप लगाए हैं। यादव का आरोप है कि करोड़ों के टिकट की कालाबाजारी में एमपीसीए के सीईओ रोहित पंडित एवं एमपीसीए के सदस्य प्रसून करमड़ीकर इस षड्यंत्र में शामिल है। वहीं केंद्रीय मंत्री सिंधिया की भूमिका भी संदिग्ध बताई गई है। राकेश यादव ने कहा कि एमपीसीए के सूत्रों के अनुसार 4 अक्टूबर को आयोजित भारतवर्सेस दक्षिण अफ्रीका के T20 मैच में टिकटों की कालाबाजारी का असली खेल 3 व्यक्तियों ने मिलकर खेला है। टिकटों की कालाबाजारी का मुख्य सरगना एमपीसीए का सीईओ रोहित पंडित एवं एमपीसीओ सदस्य प्रसून करमड़ीकर तथा www.insider.in वेबसाइट का एक कमर्शियल अधिकारी है, जिन्होंने 21 सितंबर को रात 9:30 बजे से सुबह 6:30 बजे तक 3 लैपटॉप के माध्यम से पूरी रात एमपीसीए के ऑफिस में ऑनलाइन टिकटों को लगभग 8 व्यक्तियों की फर्म से पैसा ट्रांसफर पीटीएम इनसाइडर की वेबसाइट के माध्यम से 12:45 पर 5 मिनट के अंतराल से किया गया। रात को ही सारे टिकट ऑनलाइन बुकिंग की सारी प्रक्रिया पूर्ण हो गई। रात को 3:30 बजे से 5 बजे के मध्य 19,700 टिकट ऑनलाइन करने के बाद टिकटों का ऑन पेमेंट कलेक्शन सुबह निर्धारित स्थान पर 7:30 बजे प्राप्त कर लिया गया। एमपीसीए की सीसीटीवी फुटेज में यह सारी डिटेल प्राप्त हो जाएगी। 3 व्यक्तियों ने एमपीसीए के ऑफिस में बैठकर टिकट कालाबाजारियों तक पहुंचाकर मैच के 2 दिन पहले इन व्यक्तियों ने टिकट को बेचने के लिए अपने सारे दलाल मध्य प्रदेश में फैला दिए। देखिए, एमपीसीओ को लेकर लगातार जो हम घोटाला का खुलासा कर रहे हैं उसमें आज सबसे बड़ा खुलासा है। 3 घोटालों का खुलासा आज किया जा रहा है। पहला है टिकट की कालाबाजारी, टिकट की ब्लैक मार्केटिंग। दूसरा है सिक्योरिटी का घोटाला और तीसरा है सीसीटीवी लगाने का घोटाला। सिक्योरिटी और सीसीटीवी घोटाले में कोई टेंडर नहीं किए गए, बिना टेंडर काम दिया गया। पहला घोटाला जो टिकट का घोटाला हुआ है, जिसमें ब्लैक मार्केटिंग ऑनलाइन टिकटों की गई है, जिसमें एमपीसीए का सीईओ रोहित पंडित और एमपीसीए का सदस्य प्रसून करमड़ीकर, ये दोनों पूर्ण रूप से शामिल है। इन लोगों ने 21 सितंबर की रात लगभग 11 बजे से लेकर सुबह 6:30 बजे तक एमपीसीए के ऑफिस में रात भर ये बैठे, एमपीसीए का ऑफिस चालू रहा और इन तीनों लोगों ने, तीसरा व्यक्ति जो था वो पेटीएम इनसाइडर का एक अधिकारी था, वो भी वहां मौजूद था, 3 लैपटॉप के माध्यम से रात में सारे टिकट का पेमेंट ट्रांजेक्शन किया गया। आईडीबीआई के अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुआ है, जहाँ एमपीसीए का अकाउंट भी है, और जो 8 बुकी थे जो ब्लैक मार्केटिंग के लिए टिकट बल्क में खरीद रहे थे, उनके अकाउंटों से पेटीएम के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ और वहां से फिर एमपीसीए के अकाउंट में पेमेंट ट्रांजेक्शन हुआ। ये सब कुछ ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, बैंक में भी मौजूद है और एमपीसीए और पेटीएम के रिकॉर्ड में भी मौजूद है कि कितनी बजे सारे टिकट इश्यू किए गए और कब उनके अकाउंट में पेमेंट ट्रांजेक्ट हुआ। वो साफ और स्पष्ट है कि इस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं सिंधिया का वरदस्त है, क्योंकि सीईओ जो रोहित पंडित है उसको यहाँ कायम करने में, स्थापित करने में सिंधिया की ही मंशा रही है, वरना 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह देकर एक भ्रष्ट सीईओ को यहाँ रखना और टिकट की ब्लैक मार्केटिंग करना, इंदौर की जनता को लूटना क्या दर्शाता है। सिंधिया ने आज तक इस बात का कोई जवाब नहीं दिया है, ना ही एमपीसीए ने कोई जवाब दिया है। सिर्फ ये बोलने से कि हमने नहीं करा, बात खत्म नहीं होती। अगर आपने नहीं करा है तो आपके बैंक के ट्रांजेक्शन जारी कीजिए, किन कंपनियों से पैसा आया उनके नाम जारी कीजिए, और अगर आप बोलते हैं कि ईमानदारी से टिकट बेचे तो जो 19,000 टिकट है उनके, जिन लोगों को बेचे हैं उनके अकाउंट की डिटेल, 19,000 लोगों के, अगर एक आदमी को 4 टिकट भी दिए तो लगभग 10,000 अकाउंट की डिटेल जहां से पैसा आया वो जारी कीजिए। ये वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भ्रष्टाचार यहाँ इंदौर नहीं, पूरे देश में इसी तरीके से होता है, इसलिए इसका खुलासा करना बहुत जरूरी था। दूसरा मामला सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी में आपने देखा होगा कि रोज सेफ्टी मैच अभी कुछ दिन पूर्व हुआ था, उसमें बॉम्बे की सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी की एजेंसी जो थी वो सलमान खान के जो शेरा हैं उनकी सिक्योरिटी एजेंसी, उन्होंने मात्र 60 बाउंसर और 15 गार्ड की मदद से होलकर स्टेडियम में सभी खिलाड़ियों को सिक्योरिटी प्रदान की, दर्शकों को सिक्योरिटी प्रदान की। उसी स्टेडियम में रोहित पंडित ने 4 तारीख को 800 गार्ड लगाए। मेरा आर्थिक अपराध में लोकायुक्त में शिकायत दर्ज ऑलरेडी करा दी है। आज मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा, शिकायतों की जानकारी दी है कि यहाँ की एजेंसियों में इतना दम नहीं है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कार्रवाई कर सकें, या उनके जो शागिर्द हैं रोहित पंडित और अन्य जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। अगर प्रधानमंत्री जी ये बोलते हैं कि ईमानदार सरकार हम देश में दे रहे हैं, ईमानदारी से देश चला रहे हैं, तो आज उनके लिए परीक्षा का विषय है कि वो हमारे सबूतों सहित इस पर कार्रवाई करें, जांच करें, अगर दोषी नहीं है तो हम स्वागत करेंगे और दोषी है तो जेल में पहुंचाएं।